हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। सरगम म्यूजिक जोन चैनल में फिर से स्वागत अभिनंदन। आशा करता हूँ परमात्मा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और फिर से एक नए लेसन के साथ नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आज दोस्तों हम सिखाने वाले हैं, टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सा फिल्मी सॉन्ग। तो ये जो फिल्मी सॉन्ग है फिल्म साथी से, और इसके बोल हैं, हुई आंखें नम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया। बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब गाना है, आप लोग जरूर इसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर भाई बहनों को मेरे चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, और जो भी नए लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं उन सभी को भी मेरे चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, आज हम इस गाने को सिखाने वाले हैं, जो स्वर हैं मध्य सप्तक की, ये तीसरी काली यानी एफ शार्प को हम सा मानेंगे। तो इस गाने के स्वरों को मैं आपको बता देता हूँ कितने स्वरों के अंदर हम इस गाने को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ये हमारा सा रहेगा, एफ शार्प सा, उसके बाद रे, फिर हमारा एक कोमल गा मा पा धा। देखिए 6 स्वर तो ये हैं, सा रे कोमल गा मा पा धा, 6 स्वर ये हैं। अब हम नीचे की तरफ यानी मंद्र में आते हैं, तो 3 स्वर हमारे और हैं। देखिएगा, ये हमारा है नी, यानी ये कोमल नी है हमारा, नी धा कोमल, और ये जो है हमारा हो गया पा, नी धा पा। तो हमारे टोटल जो स्वर हो गए वो हो गए 9, यानी देखिएगा पा धा नी सा रे गा मा पा धा। तो ये कितने स्वर हो गए हमारे, 9 स्वर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको कह सकते हैं एफ शार्प माइनर स्केल। देखिए एफ शार्प माइनर स्केल क्या होता है, सा रे गा कोमल मा पा धा कोमल नी कोमल और ये सा। तो ये एफ शार्प माइनर स्केल है। यहां पर हमने क्या किया है, देखिए धा शुद्ध का प्रयोग है इस गाने के अंदर। तो आप ये ना समझें कि स्केल तो ये है, यानी एफ शार्प माइनर स्केल में कोमल धा है। तो देखिए गाने के हिसाब से जो है, अगर हम किसी और उस स्केल के अलावा किसी और स्केल का स्वर लेते हैं तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो जायज होता है। क्योंकि देखिए राग के अंदर भी ये प्रयोग होता है, उसी किसी राग का यदि गाना है और उसके अलावा उसमें कुछ और स्वरों का भी प्रयोग होता है तो ये संगीत में जो है किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो गाने के अस्थाई पार्ट को पहले हम स्लोली स्लोली आप लोगों को सिखाते हैं। आप लोग जरूर अभ्यास कीजिएगा, और ये गाना बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो जरूर आपको आनंद आएगा और लोगों को सुनाने में भी बहुत आनंद आएगा। तो देखिए, ये मैंने सागा पा का कोड लिया, एफ शार्प माइनर स्केल, और पा से जो है गाने की शुरुआत होती है। तो स्लोली स्लोली समझेंगे। देखिएगा जो पहली लाइन है, आँख नम और ये दिल मुस्कुराया। पहली लाइन है, देखिएगा, हुई आँख नम, पा से शुरुआत हुई है, पा पर ठहराव है, हुई आँख नम नम और ये मापा और ये दिल और ये मापा मागा और ये दिल मुस्कुराया। पहली लाइन है, उसके बाद दूसरी लाइन देखिए, हुई आँख नम और ये दिल
चुराया तो साथी कोई भूला, याद आया। तो क्या हुआ इसमें, अगली लाइन में, तो साथी कोई भूला याद आया, सा 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 मारे सनी, तो साथी कोई भूला याद आया, याद आया, गारे सरे सरे सा, गारे सरे सरे सा याद आया। तो ये है पहली लाइन, और अगली लाइन भी सेम है, देखिएगा स्लोली स्लोली। मोहब्बत का जब भी कहीं जिक्र आया, मोहब्बत का जब भी कहीं जिक्र आया तो साथी कोई भूला याद आया, आया साथी। यहाँ पर ये थोड़ा वेरिएशन है, देखिए, आया साथी पानी सा सा, आया साथी कोई भूला, कोई भूला सामारे सानी याद आया, गारे सरे सरे सा याद आया। तो ये है पहली लाइन। तो एक बार इस लाइन को, दोनों लाइनों को एक साथ देखेंगे, देखिए। हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया, आया साथी कोई भूला याद आया, मोहब्बत का जब भी कहीं जिक्र आया, मोहब्बत का जब भी कहीं जिक्र आया तो साथी कोई भूला याद आया, आया साथी कोई भूला याद आया, गारे सरे सरे सा तो साथी कोई सा सा मारे सनी, गारे सरे सरे सा। तो ये है पहली लाइन है। अब दोस्तों अगली लाइन है जो अंतरा है हमारा, अंतरा बहुत खूबसूरत है, देखिएगा। ये मैंने सागा पा का कोड लिया और सागा पा से ही अंतरा शुरू होगा, देखिए। क्या यही, देखिए, सागा पा, क्या यही प्यार करने का अंजाम है, इस तरह से है, देखिए। क्या यही प्यार करने का अंजाम है, अगली लाइन भी सेम है, देखिए। दिल लगाने का ये कैसा इनाम है, देखिए। दिल लगाने का ये कैसा इनाम है, दिल लगाने का ये कैसा
ऐसा ही नाम है, ही नाम है। दिल लगाने का एक ऐसा ही नाम है, ही नाम है। धारे सासा, धारे सासा। ये है, फिर वही लाइन आगे आ जाएगी हमारी जो पहली लाइन। हंसी जिसको दी है उसी ने रुलाया। देखिएगा, हंसी जिसको दी है उसी ने रुलाया, तो साथी कोई भूला याद आया, आया साथी कोई भूला याद आया। देखिए अंतरा को एक बार फिर देखेंगे, देखिए कैसे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे अंतरा। देखिए, क्या यही सागा पा, क्या यही प्यार करने का अंजाम है। देखिए, दिल लगाने का एक ऐसा ही नाम है, दिल लगाने का एक ऐसा ही नाम है, ही नाम है। हंसी जिसको दी है उसी ने रुलाया। देखिए, हंसी जिसको दी है उसी ने रुलाया, तो साथी कोई भूला याद आया, आया साथी कोई भूला याद आया। हुई आँखें नम और ये दिल मुस्कुराया, हुई आँखें नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया, आया साथी कोई भूला याद आया। तो दोस्तों तैयार करें इस गाने को, अगर कुछ कमियां हो, गलतियां हो तो माफ़ी चाहूँगा। और आप लोग ज़रूर अभ्यास करें, गाने को सुनें, समझें, उसके बाद जो है स्वरों के ऊपर अपना जो है अभ्यास करें। इस गाने का बहुत खूबसूरत गाना है, कैसा लगा प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक आप लोग अभ्यास करें और विश्व में जहाँ कहीं भी हों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।